लैलतुल कद्र की रात में तीन तकरार हैं, ब्रज रास और जागनी। ब्रज रास की लीला तो बीत चुकी है, अब इस जागनी लीला में जो कुछ होना है, कैसे ब्रह्मात्माएं अवतरित होती हैं, कैसे राज्य दोनों तनों में बैठकर लीला करते हैं, और जो बाकी के सात वर्ष रहते हैं उन सात वर्षों में सारी शोभा महाराजा छत्रसाल जी को देते हैं, क्योंकि छत्रसाल जी ने समर्पण में सर्वोपरि भूमिका निभाई होती है, उनके अंदर शाकुंडल की आत्मा होती है। शाकुंडल और शाकुमार का खेल में बहुत बड़ा योगदान है, इस खेल में उनकी बहुत बड़ी अग्रगण्य भूमिका है, इसलिए पांचवें दिन के लीला में शाकुंडल ने अपनी विशेष भूमिका निभाई, छठे दिन की लीला में शाकुमार की विशेष भूमिका होगी। ये जो 120 साल की हैं जागनी लीला के, उन जागनी लीला के 120 वर्षों में तीन तनों से लीला होती है, और आपको ये भी विदित होगा श्यामा जी के स्वामित्व के जो 40 वर्ष हैं 1735 से प्रारंभ होते हैं। 1735 से 1775 तक ये 40 वर्ष होते हैं। 51 में श्री जी का अंतर्ध्यान होता है, तो महामती के तन से 16 वर्ष, जिसमें पूरी परमधाम की ब्रह्मवाणी उतरती है। परमधाम की चारों किताबें खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन चारों किताबों का अवतरण होता है, और इन चारों किताबों के अवतरण के साथ यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ को परमधाम के दर्शन का, परमधाम के एक एक पक्ष का विस्तृत वर्णन सुनने को मिलता है। सब सुंदर साथ ने यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप के एक एक अंग में स्वयं को डुबाया, अक्षरातीत के धाम हृदय में डुबकी लगाकर अपने हृदय मंदिर में उनको बसाकर मार्फत की अवस्था प्राप्त की, जो इस जागनी ब्रह्मांड का स्वरूप लक्ष्य होता है। यह जो सुख मिला, यह सुख आज तक इस सृष्टि में किसी को नसीब नहीं हो सका था, क्योंकि दुनिया या तो नारायण निराकार को परमात्मा मानती थी या साकार में भटक रही थी। कोई बेहद की वासना थी, पंचवासनाएं, उन्होंने बेहद में जरूर डुबकी लगाकर कुछ अखंड सुख प्राप्त किया, लेकिन परम धाम में कौन जा सकता है। इत हुकम हाकिम बिना कौन आवे, निराकार शून्य पार के पार पीव बतन, इत हुकम हाकिम बिना कौन आवे। उस स्वलीला अद्वैत में इस नश्वर जगत से कोई भी नहीं जा सकता था, वहाँ का ज्ञान यहाँ अवतरित नहीं हो सकता था, लेकिन अनहोनी घटना के रूप में परम धाम की ब्रह्मात्माएं आई, तो उनके साथ अक्षरातीत के चरण कमल भी आए, परिणाम स्वरूप परम धाम का अलौकिक ज्ञान संसार को सुनने को मिला। इसलिए जो वाणी के प्रचार का जो कार्यक्रम था वो 24 वर्ष महाराजा छत्रसाल जी को सौंपा गया। महाराजा छत्रसाल जी ने पूरे देश में जगह जगह वाणी के प्रचारक भेजे, नेपाल में भेजा, पंजाब में भेजा, पंजाब में भैया सीताराम जी को भेजा, केसर भाई को जामनगर भेजा, उदयपुर की तरफ मुकुंददास जी ने जागनी कार्य किया, यानी पूरे देश में जगह जगह धर्म प्रचारक भेजकर महाराजा छत्रसाल जी ने वाणी की ज्योत को चारों तरफ फैलाया, और छठे दिन की लीला में सुंदर साथ के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई कि जैसे मैं ब्रह्मवाणी को फैला रहा हूँ, सुंदर साथ का भी उत्तरदायित्व है कि ब्रह्मवाणी की ज्योति को ऐसे ही फैलाते रहें।